बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद और हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील भी बने हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स क्या होते हैं और भी तमाम सारे साइकोलॉजिकल टॉपिक्स, न्यूज़ इवेंट टॉपिक्स, व्यूवर्स की क्वेरीज भी बहुत सारी आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा एक जो मैटर है, एक कंसर्न है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ सीखने की ज़रूरत क्या है, हमें तो ऑलरेडी आता है, या फिर जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे होते हो उनको अगर थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंडर भी पता है, दे आर नॉट विलिंग, आई मीन दे आर नॉट ओपन टू लर्न अबाउट इट। ये कहाँ तक और कितना तक ठीक है? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में अभी बहुत इनमेच्योरनेस है और यहाँ पे हमारे स्कूलिंग लेवल से भी कभी ये सिखाया नहीं गया कि फाइनेंशियल मार्केट जैसी कोई चीज़ होती है। इसीलिए लोगों को इतना समझ नहीं है कि इसको भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है, इसको भी सीखना चाहिए। इनफैक्ट उनको इतनी समझ नहीं है और कभी भी उनसे कोई बात करता है तो वो सीधा बोलते हैं, हाँ हमें पता है, हाँ हमें मालूम है, हम जानते हैं। वो कुछ नहीं जानते एक्चुअली, वो इस बिज़नेस के बारे में, इस सिस्टम के बारे में उनको कुछ नहीं पता। और देखिए, आप अगर हर चीज़ में ऐसा बोलेंगे कि मैं जानता हूँ तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली, आपको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले एक सॉफ्ट, एक नर्म एटीट्यूड होना चाहिए कि कुछ नया तो नहीं मुझे सिखाया जा रहा। नहीं, सीखने से पहले सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको नहीं आता। जी, सीखने का पहला स्टेप यही है कि आपको नहीं आता। राइट, आई नो वाला जो एटीट्यूड है ना, वो इस मार्केट में नहीं चलता और कहीं भी नहीं चलता। हम जो है हर चीज़ जानते हैं। राइट, ऐसा नहीं होता है, आपको सीखना है। अगर आपको पहले ये एहसास हो जाए कि हाँ मैं यहाँ पे नहीं जानता हूँ कुछ, तो आप सीखने का पहला स्टेप ले सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले अपनी ईगो को, ये अपना एटीट्यूड को दूर रखकर सीखने का एक मंत्र ढूंढना होगा। एक फनी सा एक स्टोरी है, आपको सुनाता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत फनी सा स्टोरी है। एक बार एक आदमी का एक हॉर्स होता है, घोड़ा, उसको वो ना सीढ़ी से ऊपर लेके जाने का ट्राई कर रहा होता है। हॉर्स को सीढ़ियों से ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर। अच्छा, तो दूसरा आदमी निकल रहा होता है वहां से, वो उसको देखता है, वो बोलते क्या हो गया सर? बोले सर इसको ऊपर लेके जाना है, मैं लेके जा नहीं पा रहा हूँ, आप मेरा थोड़ा हेल्प कर देंगे? तो ठीक है, मैं कर देता हूँ। वो उसका हेल्प कर देता है, उसको फर्स्ट फ्लोर तक ले जाते हैं। बोले सर अब आप यहाँ तक ले आए हैं तो इसको सेकंड फ्लोर तक ले जाइए। बोले क्या हो गया सर, आपको करना क्या है? बोले सर प्लीज आप ले जाइए। सेकंड फ्लोर तक घोड़े को चढ़ा दिया उन्होंने। घोड़े को चढ़ा दिया, सेकंड फ्लोर तक ले जाते हैं। बोले सर आप यहाँ तक ले आए तो इसको प्लीज़ एक बार मेरे साथ ना बाथरूम में ले जाइए। अब उस आदमी को बहुत गुस्सा तो आता है कि, लेकिन वो सोचे छोड़ो मुझको क्या करना है, ले जाते हैं बाथरूम में ले जाते हैं। कहते सर अब आप इतना काम कर दिया आपने, इसको बाथटब में लिटा दीजिए मेरे साथ। कहते हैं सर आप क्या हो, बाथटब में लिटा दीजिए? क्या, हाँ सर आप बाथटब में लिटा दीजिए। खैर जैसे जैसे करके उसको बाथटब में लिटा देते हैं। उसके बाद वो जो आदमी ऊपर लाया होता है वो अपनी जेब से गन निकालता है और घोड़े को गोली मार देता है। जी, अब उस आदमी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये आदमी पागल है क्या, दूसरे मंजिल तक लेके आया, बाथरूम में लेके आया, यहाँ आके इसको गोली मार दिया। बोले सर आप क्या हो, आप पागल हो? बोले सर ऐसा है, देखिए मेरा एक फ्रेंड है, उसको हर चीज़ में ना, उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। जी, उसको कुछ भी पूछो दुनिया के बारे में वो बोलता है आई नो, मुझे सब मालूम है, हर चीज़ का पता होता है। कहता है मैं उसकी इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, हर बात उसको मालूम होती है, आई नो, हर बात में उसका आंसर होता है, मैं जानता हूँ। कह रहा आज वो खाने पे आने वाला है मेरे पास। खाने पे आएगा, वो खाना खाएगा, फिर बाथरूम जाएगा। बाथरूम जाके जैसे ही वो चिल्लाएगा, देखेगा कि घोड़ा मरा हुआ है यहाँ पे, तब मैं उसको बोलूँगा आई नो। तो उस आदमी की तरह ही आई नो कहने वाले जो लोग हैं ना, किसी को पसंद नहीं आते। राइट, मार्केट भी आई नो कहने वाले को पसंद नहीं करती। वो बोलते हैं आप हम्बल हो जाइए, आप बोलिए मुझे नहीं आता, मैं आपको सिखाऊंगी। आप आइए तो सही यहाँ सीखने के लिए, पहले थोड़ा सा होमवर्क करके आइए, फिर मेरे पास आइए, मैं आपको सिखाऊंगी। हम आज तक प्रियंका जी रोज सीखते हैं इस मार्केट से, इतना कुछ आने के बाद भी हमें ये एहसास होता है कि हमें नहीं आता। हर रोज मार्केट हमें कोई ना कोई नया लेसन देती है, रोज हमें सिखाती है, लेकिन वो हम तभी सीख पाते हैं जब हम ये मान के चलते हैं कि हाँ अभी और बहुत कुछ है जानने के लिए। एग्जैक्टली, और ये कॉन्सेप्ट एक बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो थोड़ा बहुत रिलेटेड है, कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट, यानी हर रोज एक नई स्थिति, एक नई सिचुएशन मार्केट आपके सामने क्रिएट करते हैं। और बड़े से बड़े जितने भी मंझे हुए एनालिस्ट हों, कितने भी बड़े ट्रेडर हों, ब्रोकर हों, लाखों रुपए कमाते हों, लेकिन वो भी अपना एटीट्यूड नर्म रखते हैं कि उन्हें सीखना है। सीखने के लिए आपको, इसलिए कहा जाता है कि उसी वृक्ष पर, उसी पेड़ पर फल लगते हैं जो झुका हुआ होता है। यानी सबसे पहले आपको, हम एट्रीब्यूट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सुनील, कि कई सारे आपको एट्रीब्यूट्स छोड़ने पड़ेंगे एक अच्छा, एक सफल ट्रेडर बनाने के लिए। उसमें ईगो को आपको छोड़कर रखना होगा, पीछे छोड़ना होगा कि आपको सब कुछ आता है, आई नो एवरीथिंग, ये स्ट्रैटेजी छोड़नी होगी, तभी आप नया कुछ सीखने की
एक इच्छा जता पाएंगे और उसे पूरा भी कर पाएंगे. इनफैक्ट एक ऐसे ही हमारे व्यूवर्स भी कोशिश ये करते हैं कि वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहे हमसे. एक व्यूवर है हमारे साथ, उन्होंने अपना सवाल भेजा है FIIs की होल्डिंग को लेकर. बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, आइए उनसे बात कर लेते हैं. हमारे साथ धरेंद्र सिंह जी हैं झारखंड से फोन लाइन पर. धरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. जी नमस्कार मैडम. जी नमस्कार जी धरेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल. सुनील सर को भी नमस्कार. सुन रहे हैं आपको. जी मैम हमको सर ये जानकारी चाहिए कि अगर किसी स्टेट में FIIs की होल्डिंग क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ती है तो उसमें अपना होल्डिंग बढ़ानी चाहिए, अपना शेयर स्क्रिप्ट को लेकर इन्वेस्ट करना चाहिए. चलिए बिल्कुल शुक्रिया धरेंद्र अपना सवाल पूछने के लिए. सुनील से जान लेते हैं इस पर राय. सुनील अब हम कई बार कहते हैं, आप भी कहते हो कि स्मार्ट इन्वेस्टर को फॉलो करना गलत नहीं है. कई बार FIIs भी स्मार्ट इन्वेस्टर ही होते हैं, उनके पास भी बहुत रिसर्च्ड उनके पास मूव्स होती हैं, उनकी कैलकुलेटेड मूव्स होती हैं. क्या इस तरह से करना चाहिए कि आप होमवर्क करने की बात करते हैं, अपने होमवर्क में शायद एक स्टेप हम ये भी देख लें कि FIIs की होल्डिंग तो नहीं बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो चलिए मैं भी खरीदता जाता हूँ. इस बारे में हम थोड़ा सा बात पहले भी कर चुके हैं. जो आपके व्यूअर हैं उनको मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि FIIs की होल्डिंग बढ़ रही है तब मैं लूं, सिर्फ एक यही रीज़न है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या वो FIIs हैं? वो FIIs नहीं है. आज अगर एक बड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर ले रहा है, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है, उसके पीछे उसकी क्या सोच है, कितने साल के लिए ले रहा है, क्या रिस्क एपेटाइट है उसका. छोटे आदमी का रिस्क एपेटाइट इतना नहीं हो सकता कि वो उसको 10-20 साल उसको रख सके या एकदम से उसमें से एग्जिट ले सके. आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी हदें पता होनी चाहिए. ये हम बात पहले कर चुके हैं हम बात की LIC का. आपने बहुत वंडरफुली एग्जांपल दिया था कि आपको ये देखना होगा, यानी FIIs की मूव को फॉलो करना गलत नहीं, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना होगा कि वो क्यों ले रहा है, वो क्यों ले रहा है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है. आप उसने अगर कुछ भी लिया है, आप देख रहे हो कि उसकी होल्डिंग में इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन आप इस वजह से मत लो सिर्फ प्राइस, बाकी चीजें भी बोलेगा. वहां पर आपको देखना होगा कि मेरा रिस्क एपेटाइट कितना है. आज अगर आप जहां ले रहे हैं वहां से आपका स्टॉप लॉस का लेवल या ऐसा लेवल जहां से आपको निकलना है वो बहुत ज्यादा दूर है, आपका कैपिटल खत्म हो सकता है उतने लेवल में, तो आप नहीं ले सकते. FIIs होल्ड कर सकते हैं, उस समय तक आप नहीं कर पाएंगे. राइट. तो आपको अपनी रिस्क एपेटाइट भी देखनी है कि मेरे पास कितना कैपिटल है, मैं कहां स्टॉक को लेने जा रहा हूं. 100 रुपए स्टॉक नीचे आ गया तो मेरा कैपिटल तो खत्म हो जाएगा, FIIs तो फिर भी होल्ड करते रहेंगे उसको. राइट. जैसे अगर कोई भी करंट सिनेरियो में जब भी उन्हें पता चलता है कि केबल डिजिटाइजेशन, एग्जांपल केबल डिजिटाइजेशन पे फैसला आने वाला, तो वो पहले से ही 6-6 महीने पहले से होल्ड करके रखने लग जाते हैं और उसमें शायद नीचे ऊपर कई तरह के मूव्स, कई तरह की चाल दिखाएगा स्टॉक. उनका रिस्क एपेटाइट इस तरह से होता है. यानी FIIs को फॉलो तो किया जा सकता है लेकिन साथ में ये भी देखना जरूरी है कि प्राइस भी वो मूवमेंट दिखाता रहे, प्राइस मूवमेंट दिखाता रहे और अपना रिस्क एपेटाइट कितना है. हम जहां ले रहे हैं वहां से अगर नीचे चला गया हम होल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. राइट. तो यानी FIIs को फॉलो करना होगा लेकिन साथ में आपको ये चीजों का भी ध्यान देना होगा कि आप उस होल्ड स्टॉक को कब तक होल्ड करके रख सकते हैं. शायद आपके पास 1 हफ्ता 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक का ही रिस्क एपेटाइट हो लेकिन FIIs किस टर्म से, किस व्यू पॉइंट से उसको होल्ड करके रख रहा है ये भी समझना बहुत जरूरी है. तो यानी आधा काम है ये FIIs को देखना, उसके अलावा आधा काम बाकी होता है, उस पर भी नजर जरूर बना के रखनी होगी. चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है. ब्रेक से वापस लौटते ही ये भी समझेंगे कि चार्ट पर एनालिसिस कैसे किया जाता है, यानी किसी स्टॉक को अगर हमें खरीदना है उससे पहले जो होमवर्क या फिर हम रिसर्च वर्क की बात करते हैं, चार्ट पर किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना होगा. छोटे से ब्रेक से तुरंत लौटते हैं लेकिन व्यूवर्स को याद दिला दें कि बाजार शास्त्र @znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है. अगर आप किसी साइकोलॉजिकली किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर चार्ट एनालिसिस चाहते हैं या फिर किसी न्यूज इवेंट को समझना चाहते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा. के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और अब हम बात करेंगे चार्ट एनालिसिस की. सुनील, चार्ट एनालिसिस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे टर्म्स सुनते हैं कि ट्रेंड को पहचानो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, ट्रेंड तो नहीं एग्जॉस्ट हो रहा, इन सबको व्यूवर्स को किस तरह से सिंप्लीफाइड में समझाएंगे आप?
देखिए, जो भी आदमी स्टॉक को लेना चाहता है, काम करना चाहता है, अगर वो चार्ट एनालिसिस की बाकी चीज़ें नहीं जानता, तो कुछ चीज़ें ऐसी हम यहाँ बता रहे हैं जिसको वो देख लेगा तो मेरा ख्याल से उससे जो गलतियाँ अब तक होती रही हैं वो शायद कम होंगी। सबसे पहले किसी भी स्टॉक को, जैसे हमने पहले भी एक बार बात किया, ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है, कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस का ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा चार्ट पे दिखाता हूँ, आप देखिए एक बार, ये चार्ट है। अब इस स्टॉक को देखिए आप, ये स्टॉक किसी आप छोटे बच्चे से भी पूछेंगे वो आपको बता देगा ये स्टॉक नीचे जा रहा है जी, ये स्टॉक नीचे जा रहा है जी, सीधा नीचे जा रहा है, इसमें कहीं कुछ ऊपर जाने का साइन भी नहीं आया कभी। और एक ये स्टॉक है, ये सीधा ऊपर जा रहा है, राइट। अब ये स्टॉक अगर सीधा ऊपर जा रहा है और दूसरा स्टॉक अगर सीधा नीचे जा रहा है, तो आपको नीचे जाने वाले स्टॉक में कभी बाय नहीं करना और ऊपर जाने वाले स्टॉक में कभी सेल नहीं करना। बहुत एक्सटेंसिवली आप ये पहले भी हमें समझा चुके हो कि ट्रेंड को पहचान कर ही अपना मूव लेना। नंबर वन चीज है ट्रेंड। सेकंड चीज हमारे पास आती है कि जहां हम ले रहे हैं वहां से हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कितनी दूर है, राइट। क्योंकि हमारा रिस्क उतना ही है एक्चुअली। जैसे एक ये वाला चार्ट है, आप देखिए इस चार्ट में पहला सपोर्ट जो है, जैसे हमने लास्ट में बात किया था, जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है। इसमें पहला सपोर्ट ये था, इसके नीचे ये नहीं आया, उसके बाद इसका सपोर्ट ये बन गया। यानी कि अगर ये स्टॉक हमें इस एरिया में कहीं पे भी मिलता है, इस एरिया में, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही फेवरेबल है। हमको हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ इस एरिया का रहेगा, हम यहाँ बाय करेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमको लेने से पहले उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना बहुत जरूरी है कि किसी भी स्टॉक को हम जहाँ ले रहे हैं उसका सपोर्ट या उसका रेजिस्टेंस वहां से कितनी दूर है, राइट। क्योंकि स्टॉप लॉस कैलकुलेट आपको करना है नेक्स्ट स्टेप, जैसे आपने ट्रेंड पहचाने, यानी खरीदारी होनी चाहिए या बिकवाली होनी चाहिए। दूसरा आपका जो स्टेप होगा कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना होगा। और वाकई जो रेजिस्टेंस आपको स्टॉक को पहले मिल रही थी, ऊपर जाने नहीं दे रहा था जिस लेवल से स्टॉक को, वो ही अब आपका सपोर्ट है, क्योंकि इस लेवल को क्रॉस कर चुका है। इसी से हम जो देखते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये भी बहुत जरूरी चीज है। आप किसी स्टॉक को ले रहे हैं, आपको कितने पैसे देने पड़ सकते हैं और कितने की उम्मीद है आने की आपकी, ये आपको पहले हिसाब लगाना होता है। उसके लिए हमें जो है वो लेवल जरूर चाहिए जहां पे हम ले रहे हैं और जहां से उसका सपोर्ट है नीचे। तीसरी चीज आती है मोमेंटम, राइट। किसी स्टॉक में कितना हाई मोमेंटम है, राइट। जैसे मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं यहां पे, अब ये पांच लाइन लगाया है मैंने यहां पे, ये पांचों लाइन अगर आप देखेंगे तो ये पांचों लाइन ऊपर जा रहा है, पांचों के पांचों लाइन ये ऊपर जा रहा है। अब इस लाइन का ऊपर जा रहा है, ये लाइन भी ऊपर जा रहा है, ये लाइन भी ऊपर जा रहा है, लेकिन इन पांचों लाइन के ऊपर जाने में इसके मोमेंटम का बहुत फर्क है। अगर वो मोमेंट आप इस स्टॉक को लेते हैं तो आपको वही गेन आने में हो सकता है 6 महीने लग जाएं, और अगर आप इस स्टॉक को लेते हैं तो वो गेन आपका 2 महीने में भी आ सकता है। तो जब स्टॉक सिलेक्शन करते हैं हम, तो मोमेंटम को बहुत जरूरी हो जाता है देखना कि हम जिस स्टॉक को ले रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि रिटर्न तो वो हमें देगा जी, लेकिन हमें टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ सकता है उसके अंदर। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि जो लाइन है अप ट्रेंड की लाइन या डाउन ट्रेंड की लाइन, उसका मोमेंटम कितना हाई है। हाईएस्ट मोमेंटम में भी नहीं जाना होता है हमारे को, बहुत ही अगर वो स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रहा है वो भी रिस्की है क्योंकि वो जल्दी से नीचे भी आ सकता है, लेकिन एक एवरेज स्पीड से अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसमें हमें बहुत अच्छा बेनिफिट छोटे टाइम में मिल जाता है, राइट। क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आपको टाइमली रिटर्न मिल पाए, तभी तो आप उस पैसे को कहीं और लगा पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है ये पहचानना कि मोमेंटम यानी कितने समय में मुझे ऐसा ये रिटर्न जो है ये रिटर्न मिल जाएगा, 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे, ये आपको बहुत जरूरी है कैटेगराइज करना। और एक स्टॉक सिलेक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ। आज हम जिस स्टॉक को चुन रहे हैं उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे इंडेक्स के सामने कितनी है और उसी सेक्टर के बाकी स्टॉक्स के सामने कितनी है। जैसे मान लीजिए मैं सीमेंट का कोई शेयर लेना चाहता हूँ, मैं ACC चूज करता हूँ, मैं अंबुजा चूज करता हूँ, तो मुझे उस सेक्टर के बाकी स्टॉक जो हैं उनकी कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा तभी मैं लूंगा, राइट। तो मुझे ये देखना बहुत जरूरी है कि एक तो इंडेक्स के साथ, हमारे निफ्टी के साथ, सेंसेक्स के साथ में वो जो स्टॉक है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि इंडेक्स हमारा ज्यादा ऊपर जाए और स्टॉक ना ऊपर जाए उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है, राइट। इंडेक्स हमारा थोड़ा ऊपर जाए और वो स्टॉक ज्यादा ऊपर जाए, इट मीन्स उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। हमको उस स्टॉक को चुनना है जिसकी इंडेक्स की कंपैरेटिवली रिलेटिव स्ट्रेंथ और उस सेक्टर के बाकी स्टॉक्स की कंपैरेटिवली रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उसको चुनना है, उसमें भी रिटर्न अच्छे मिलेंगे जी। यानी ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है आपको कि सबसे पहले आपको ट्रेंड को पहचानना है, उसके बाद स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, साथ ही आपको ये देखना होगा कि यहां से मैं स्टॉक को पिक तो कर रहा हूं, मैं रिस्क कितना ले रहा हूं और मुझे रिवॉर्ड कितना मिल जाएगा। देन इज नेक्स्ट स्टेप इज कि ट्रेंड का मोमेंटम हाई
high है या low है और relative strength, यानी ये step by step है जिन्हें आपको ध्यान जरूर रखना होगा before you go for any trade. Beautifully explained us. उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को समझ आया होगा. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और उम्मीद यही है कि सिंप्लीफाइड वे में हम समझा सके टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और बात होगी एक स्पेशल सेगमेंट की. जी हाँ, क्या इम्पैक्ट पड़ता है न्यूज इवेंट्स का उस पर्टिकुलर सेक्टर पे, मार्केट पे या पर्टिकुलर स्टॉक पे. जल्द वापस हाजिर होते हैं. बात होगी यूबी ग्रुप और डियाजियो की डील की. कहीं मत जाएगा. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और बात यहाँ हो रही है खबरों को समझने की. जी हाँ, हमारा खास सेगमेंट जहाँ हम कोशिशें करते हैं कि कोई भी न्यूज इवेंट जब आती है उसका मार्केट पर क्या असर पड़ता है. चलिए अब समझ लेते हैं कि इस बार हमारा जो टॉपिक है कि यूबी ग्रुप और डियाजियो की इस डील के बाद. सुनील, अगर एक सिनेरियो को समझने की यहाँ कोशिश करें, ये र्यूमर्स बड़े समय से बाजार में थे कि विजय माल्या जो है अपने इस लॉस मेकिंग बिजनेस में से कहीं ना कहीं कुछ स्टेक बेचना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये देखा कि क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस पर इतना बड़ा डेट है 7,000 करोड़, 1 अक्टूबर से ग्राउंडेड है उसकी फ्लाइट्स, ऑपरेशंस नहीं हो रहे, होल्ड पे सब पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी इन खबरों का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर पर क्यों नहीं दिख रहा था. यूबी ग्रुप हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, सबके शेयर में तेज़ी थी, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस की सिचुएशन क्यों नहीं सुधरी थी और अब डील होने के बाद किस तरह का स्टेप, किस तरह की अप्रोच व्यूवर्स को रखनी चाहिए किंगफिशर एयरलाइंस के शेयर में, क्योंकि बहुत सारे लोग फंसे होंगे किंगफिशर एयरलाइंस में. देखिए, आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि उसके शेयर क्यों नहीं बढ़ रहे थे किंगफिशर के, और यूबी ग्रुप के बाकी जो है शेयर क्यों ऊपर जा रहे थे. देखिए, ये ना 6 महीने से हो रहा है एक्चुअली कि न्यूज़ है इस तरह की कि वो अपने इस बिजनेस में से बाहर निकल सकते हैं. मार्केट इस चीज़ को कैसे ले रहा है, आपके व्यूअर्स को समझाना चाहते हैं हम. आप मार्केट को बिल्कुल अनाड़ी मत समझिए, मार्केट बहुत खिलाड़ी हैं, यहाँ बहुत खिलाड़ी लोग काम करते हैं एक्चुअली. इसीलिए किंगफिशर का प्राइस ऊपर नहीं गया और उसकी बाकी कंपनियों का प्राइस ऊपर गया, क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा है कि जो माल्या साहब की 2 शॉप हैं, मान लीजिए एक शॉप में लॉस हो रहा है, एक शॉप में प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसका जो रेट था वो उस हिसाब से प्राइसिंग नहीं था, क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि कल को ये वाला जो शॉप जिसमें से प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से कहीं ना कहीं कुछ स्टेक बेचने के बाद उनको अपनी लॉस मेकिंग शॉप में डालना पड़ सकता है, और वो हो रहा है. यानी टू गिव मोर क्लैरिटी टू व्यूअर्स, एक ऑपरेशन आप कह रहे हैं यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स का, स्पिरिट बिजनेस का, जो उनका अल्कोहल का कारोबार है वो प्रॉफिट मेकिंग कारोबार था, और एक कारोबार था उनका एविएशन का, किंगफिशर एयरलाइंस का, वो लॉस मेकिंग कारोबार था. जी, और मार्केट अब इस चीज को इस तरह से ले रहा है कि किंगफिशर एयरलाइंस जो ग्राउंडेड है, आप बोल रहे हैं जैसे उसमें अगर पैसा आ भी गया तो उसको कल को प्रॉफिट में आने में बहुत समय लगने वाला है. और मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों के पास वो स्टॉक है, हमारा मानना यह है इस न्यूज़ के बाद अगर थोड़ा सा स्पर्ट आ गया जो है उसके अंदर, तो उसमें से निकल जाएं बाहर. वो उस स्टॉक को आपको भी आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला उस स्टॉक में. जी, और यूनाइटेड स्पिरिट्स का जहां तक बात है, यूनाइटेड स्पिरिट्स एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. बिफोर वी गो फर्दर, इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ सुनील बताया और व्यूवर्स को फिर से एक बार क्लैरिटी देते हैं. यानी सबसे बड़ा जो कंसर्न यहाँ बना हुआ है लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं, बहुत सारे FIs की नजर है, इकॉनमी की भी नजर है एविएशन स्पेस में, कि किंगफिशर एयरलाइन 7,000 करोड़ का डेट है, उस पर पैसा मिलेगा जरूर ग्रुप को, लेकिन उसकी समस्याएं अब भी आप कह रहे हैं सुलझेंगी नहीं, हल नहीं होने वाली है. और यूबी ग्रुप के जो बाकी शेयर हैं एक्चुअली वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इंडिया का नंबर 1 लिकर बिजनेस है उनका, एशिया का नंबर 3 लिकर बिजनेस है वो कंपनी. और मार्केट देखिए किस चीज को डिस्काउंट करके चल रहा था, 500 रुपए का स्टॉक था आज से 6 महीने पहले, 1400 रुपए का स्टॉक आ गया. वो किस वजह से, मार्केट ये मान के चल रहा था कि आज नहीं तो कल माल्या जी इसमें से बाहर निकलेंगे, अपना कंट्रोलिंग स्टेक छोड़ेंगे, तो ये कंपनी जब भी किसी दूसरे के हाथ में जाएगी तो इसकी रियल वैल्यूएशन सामने आएगी. इसकी रियल वैल्यूएशन एक्चुअली बहुत ऊपर थी उस समय भी, आज भी बहुत ऊपर है. वो इसीलिए सामने नहीं आ रही थी कि एक बिजनेस ऐसा जुड़ा हुआ था उसके साथ जो एक्चुअली लॉस मेकिंग था. वो जैसे ही अलग हुआ आपके सामने वैल्यूएशन है. राइट, इसका मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग थी, लेकिन इस वेंचर के बाद उसकी वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ से और फर्दर होगी और काउंटर और भी ऊपर जा सकता है. लेकिन साफ तौर पर सुनील कह रहे हैं कि भले ही
यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि देखिए आम निवेशक को ना सबसे पहले सिर्फ ये समझ आएगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 7,000 करोड़ का कर्ज। पैसा अब शायद मिल रहा है यूबी ग्रुप को, $2 बिलियन के लगभग इतनी लिक्विडिटी मिलेगी, तो शायद सबसे पहले जो फाइनेंशियल क्रंच है वो सॉल्व होगा। बीमार आदमी को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलने से बीमारी ठीक नहीं होती है जी, ऑक्सीजन का सिलेंडर ही तो मिला है, बीमारी तो वही है अभी तक। राइट राइट, तो आप उस चीज को समझिए, बीमारी अभी भी बनी हुई है किंगफिशर एयरलाइंस के लिए, और इस बीमारी से आप दूर ही रहे किंगफिशर एयरलाइंस को, यानी हम यहाँ पर अपने व्यूअर्स को यही सजेस्ट करेंगे, हालांकि अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह आप जरूर लें, लेकिन सुनील भी ये मानते हैं कि किंगफिशर एयरलाइंस से फिलहाल रिटेल इन्वेस्टर फंसे ना, हो सकता है थोड़ा बहुत स्पर्ट कुछ समय के लिए देखें, थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन हमें लगता है कि अगर आए तो निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, इस डील का महत्व हमें यही समझना चाहिए कि क्योंकि देखिए आम इन्वेस्टर को सबसे पहले अगर न्यूज इवेंट का मतलब समझना होता है तो ये समझना होता है कि मैं करूं क्या, मैं खरीदूं ना खरीदूं या मैं बेच दूं। तो राय बिल्कुल साफ है इस पर कि किंगफिशर एयरलाइन से दूर रहें और यूबी ग्रुप के शेयर्स पर अभी भी नजर बनाई रखी जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ। चलिए, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट हमारी कोशिश सिंप्लीफाइड वे में समझाने की समझ जरूर आई होगी। शुक्रिया सुनील शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, व्यूवर्स के ये सारे मिथ्स को दूर करने के लिए। इसी तरह की कोशिश अगले एपिसोड में फिर होगी, आपसे अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात, लेकिन जाते जाते व्यूवर्स को फिर से याद दिला दें, bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, अपनी क्वेरीज हमें जरूर भेजें। अगर आपकी क्वेरी किसी चार्ट को समझना चाहते हैं, किसी टेक्निकल टर्म को आप समझना चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट पर साइकोलॉजिकल राय जानना चाहते हैं, या फिर किसी न्यूज इवेंट को समझना चाहते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे चार्ट बताए कि मैं 6 महीने के लिए लूं या मैं या 1 साल के लिए लूं, चार्ट आपको ये नहीं बता सकता। चार्ट आपको ये बता सकता है कि अगर आपका टाइम फ्रेम 1 साल का है तो इसमें आपको कुछ आ सकता है, यानी इसका मतलब आपको अपना नजरिया ये रखना होगा, आपको फोकस इस पे करना होगा कि मैं कितने समय तक इन्वेस्टेड रहता हूं। और यही हम हर बार जोर देते हैं कि अगर आप 3 महीने के लिए इन्वेस्टेड हैं, हो सकता है चार्ट उस अकॉर्डिंग के पैटर्न ही नहीं बना पा रहा कि 3 महीने आपको रिजल्ट दे पाए, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन बदलनी होगी। We'll be right back.